आइए, आप सभी का स्वागत है माइक्रोसेट चैनल में। मैं आज आपको, देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको सिखाऊंगी कि फंदे कैसे डालते हैं। सभी ने रिक्वेस्ट की है कि फंदे डालें, शुरू से आप ये बताएं कि किस तरह से फंदे डालते हैं। तो चलिए मैं शुरू से सिखाती हूँ कि नीटिंग आप शुरू से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जरूरी होती है हमें फंदे डालने की। तो देखिए, इस तरह से आप एक तरह का सिलाई लेंगे, इस तरह का कोई भी लें जिससे आप बना सकती हैं। 10 नंबर और 11 नंबर ज़्यादातर यूज होता है सिलाई में, कुछ भी स्वेटर वगैरह बॉर्डर बनाने में 10 और 11 नंबर का ज़्यादा यूज़ करते हैं हम। इस तरह से धागा लेंगे हम और यहाँ पे एक गांठ लगाएंगे। गांठ लगाने के बाद इस पे हम इस तरह से सिलाई डाल देंगे। देखिए, सिलाई डालने के बाद इसे इस तरह से हल्का सा टाइट कर दें। फिर से मैं गांठ लगाने का तरीका एक बार आपको बता देती हूँ। इस तरह से पकड़ेंगे हम और इस तरह से करते हुए अंदर की ओर से इसे निकाल लेंगे, इसमें सिलाई डालेंगे। अब देखिए, ये जो छोटा भाग है, सॉरी, ये जो बड़ा वाला भाग है धागा का, जिस साइड हमारा गोला रहेगा वो राइट साइड के रखेंगे और जो छोटा धागा है वो लेफ्ट हाथ में रखेंगे। तो इस तरह से हम इसे पकड़ेंगे। देखिए, इस तरह से आपको पकड़ना है। एक बार इस तरह से सिलाई पे डालेंगे और ये धागा फिर एक बार इसके ऊपर से डालेंगे, फिर एक बार इस सिलाई के अंदर से पार करेंगे तो हमारा फंदा बन जाएगा यहाँ पे। तो देखिए, इस तरह से हम धागा पकड़ेंगे राइट हाथ पे, इस तरह से देखिए। उसके बाद ऐसे करेंगे हम, उसके बाद इस तरह से धागा को डालेंगे और वापस इसे फिर से डाल देंगे और इस तरह से खींच देंगे। तो ये हमारा, देखिए, एक हमने गांठ जो लगाया था और एक फंदा अभी हमने बनाया। फिर इस तरह से पकड़ेंगे, देखिए, फिर इस तरह से इसे फंसाएंगे और ये जो छोटा वाला धागा इसके ऊपर से पार करेंगे। फिर जो है एक बार इस धागे को जो हमने राइट साइड में रखा इसके ऊपर से पार करेंगे अंदर से। तो देखिए, हमारा 3 फंदा बन गया। फिर एक बार उसी तरह से करेंगे, देखिए, दिखाती हूँ, इस तरह से करना है। ये जो फंदा है ये वाले को लेना है, देखिए, इधर वाले को नहीं, ये वाले को लेंगे। इधर से घुमाते हुए इसको इस तरह से लेंगे। फिर जो छोटा वाला धागा है फिर एक बार सिलाई पर इस तरह से घुमाएंगे और जो हमने, देखिए, गैप बना हुआ है, इस गैप को, धागे का गैप जो है इस सिलाई के अंदर से पार करके इस तरह से छोड़ देना और फिर ये धागा हम खींच देंगे। तो इस तरह से हमारा फंदा बन जाएगा। तो चलिए, तो ये हुआ एक तरह का, और मैं आपको 2-3 तरह का बता देती हूँ कि किस तरह से बनाएंगे। फिर हम उसी तरह से, देखिए, एक अब यहाँ हम गांठ लगाएंगे, इस तरह से गांठ लगाया हमने, फिर सिलाई पे इस तरह से डाला। अब देखिए, इस तरह से करेंगे हम, सिलाई को इस पे डालेंगे इस तरह से। ये जिन्हें सीधा उल्टा बनाना आता है वो ये आराम से बना लेंगे। देखिए, इस तरह से करेंगे, या जो नहीं जानती वो भी बना लेंगे। इस तरह से पकड़ेंगे धागा को, जैसे हम बुनाई करते हैं सीधा उल्टा, उस तरह से इस तरह से पकड़ेंगे और वापस से इसी सिलाई पे चढ़ा देंगे। तो देखिए, 2 फंदे बन गए। फिर से इसे हम इसी तरह से बुनाई करेंगे, वापस से इसी सिलाई में चढ़ा देंगे। ये 3 बन गए। फिर देखिए, इस तरह से फिर बुनेंगे और इसे फिर से वापस इसी सिलाई पे चढ़ा देंगे। ये 4 फंदा हो गया। फिर जो पहला वाला फंदा है इसे फिर हम इस तरह से करेंगे और नहीं भी छोड़ेंगे आप इस, तो इस तरह से बनाते चली जाएं। देखिए, इस तरह से डालेंगे, फिर इसको वापस से फिर बुनेंगे और इसे सिलाई पे चढ़ाते चले जाना है। देखिए, इस तरह से फिर इस तरह से करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए, इस तरह से किया, ये जो गैप बना हुआ है इसको इस तरह से डालेंगे सिलाई पे और इस धागे को खींच देंगे। फिर इस जो लास्ट वाला फंदा है फिर इसमें सिलाई डालेंगे और जैसे हम बुनाई करते हैं उस तरह से बुनाई करेंगे। तो देखिए, ये हमने 2 तरह का सीख लिया फंदे डालना। चलिए, तो और एक 2 तरह का और बता देती हूँ मैं आपको। अब देखिए, इस तरह से गांठ लगाएंगे हम। अब धागे को इस तरह से रखेंगे हम, सॉरी, सिलाई को डालेंगे, जो हमने बनाया गांठ लगाया इसके अंदर हम इस तरह से डालेंगे। अब देखिए, इस तरह से धागा को पकड़ेंगे हम। देखिए, इस तरह से ऐसे पकड़ना है फंदे डालने का तरीका। ये 3रा नंबर फंदे डालने का तरीका है। देखिए, ऐसे पकड़ेंगे, फिर से छोटा धागा हमारा इस साइड होना चाहिए और ये बड़ा धागा इधर, और दोनों धागों को हम लेफ्ट हाथ पे पकड़ेंगे। देखिए, इस तरह से मोड़ें
एक बार ये अंगूठे वाले धागे को लेंगे, उसके बाद फिर जो उंगली वाले धागे को इसको लेंगे और वापस से फिर अंगूठे वाले धागे की तरफ से इसे निकालते हुए इस तरह से कर देंगे। फिर देखिए अंगूठा वाला जो धागा इसे लेंगे, उसके बाद जो उंगली वाला धागा है इसे लेंगे, फिर वापस से ये अंगूठे के बीच से निकालेंगे जो धागा है उससे। देखिए तो ये हमारे फंदे बन जाएंगे। फिर उसी तरह से करेंगे हम। देखिए ये लिया हमने, फिर एक बार इस तरह से, फिर अंगूठे के बीच से निकाल देंगे इसे। फिर उसी तरह से करेंगे, ये अंगूठे के बीच में डालेंगे, फिर उंगली वाला जो फंदा है देखिए ये लेंगे, फिर अंगूठे के बीच से फिर इस तरह से निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारे ये तीन टाइप का हमने फंदे बनाना सीख लिया। चलिए एक फंदा और बता देती हूँ मैं आपको किस तरह से डालना है। तो चलिए अब चौथे नंबर का हम किस तरह से फंदे डालेंगे, ये सबसे आसान है। तो देखिए इस तरह से हम गांठ लगाएंगे, इसके अंदर से निकालेंगे धागा को और इसके अंदर सिलाई डाल देंगे इस तरह से, और ये धागा को टाइट कर देंगे गांठ को। अब देखिए सबसे आसान फंदा डालना है, इस तरह से हम पकड़ेंगे इसे देखिए, और ये जो सिलाई है ये राइट साइड पे धागा है हमारा। देखिए राइट साइड पे उंगली में हमने इस तरह से घुमाया हुआ है, तो जो लेफ्ट साइड का जो हमने रखा हुआ है जो सिलाई उसके इसके अंदर से डालेंगे और इस तरह से इसे छोड़ देंगे। देखिए फिर इस तरह से लेंगे और ये जो धागा है इसे हम इस तरह से लेंगे और इसे छोड़ देंगे। फिर इस तरह से लेंगे देखिए, और ये जो धागा है इसे हम सिलाई पे डालेंगे इस तरह से। फिर इस तरह से लिया, ध्यान से देखिए इस तरह से लेंगे हम उंगली पे, और ये जो धागा है इस सिलाई को इधर से घुमाते हुए इस तरह से घुमाते हुए इस पर इस तरह से बुनेंगे। लेकिन ये जब हम फंदे डाल रहे हैं ये जब आप बुनेंगे, तो देखिए ये बुनने में हम दिखा देते हैं कि इसे आप कैसे करेंगे। जब ये बुनेंगे ना तो ये ढीला पड़ जाता है, तो इसलिए इसे हम टाइट बुनेंगे इसे। जैसे देखिए इसे हमने बुना तो इतना लंबा धागा खींचा जाता है, तो इसे हम टाइट टाइट बुनेंगे जब भी इसे बुनेंगे। तो ये बहुत कम ही लोग ये फंदे डालते हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जब नए नए सीख रहे हैं तो ये इस तरह से भी करके आप सीख सकते हैं। फिर ये हल्का ढीला करेंगे तो इस तरह से इसे बुन लेंगे हम इस तरह से, लेकिन ये लंबा खींचा जाएगा। तो इसीलिए फंदे बहुत कम लोग डालते हैं, जो नया नया सीख रहे हैं वो डाल के बना लेते हैं। देखिए इस तरह से, तो आज की वीडियो में हमने आपको ये बताया कि फंदे कैसे डालते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सीधा और उल्टा कैसे बनाया जाता है। फिर उसके अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फंदे कैसे घटाए जाते हैं और फंदे कैसे बढ़ाए जाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।